नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बता दें मंगलवार को कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह के मौके पर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति एवं रजिस्ट्रार की अगुवानी में बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन पहुंचे। लालजी टंडन के स्वागत के लिए कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय पूरी तरह सज कर तैयार था। एयरपोर्ट से लेकर के सभा स्थल पर उन्हें सड़क मार्च चलाया गया। वहां आते ही रजिस्ट्रार के नेतृत्व में मार्च पास्ट किया गया एवं मंच पर उन्हें उजले पाक से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सभी अतिथि परंपरागत ड्रेस में नजर आए। स्टॉप यू सम्मानीय महामहिम कुलाधिपति महोदय, कृपया दीप प्रज्वलन कुर्वन्तु इत्यहं प्रार्थये।
क्रमशः कुलाधिपति पदभाजां परम सम्माननीय श्री लालजी टंडन महोदयानां अति विशिष्ट अतिथित्वेन समुपस्थितानां बिहार सर्वकारस्य माननीय शिक्षा मंत्री महोदयानां श्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्म महानुभावानां मुख्यातिथ्यत्वेन समागतानां महाराष्ट्र राज्ये रामटेक स्थितस्य कविकुल गुरुकालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्माननीय कुलपति पदभाजां परम यशस्विना सतीशचंद्र झा महाशयानां अद्यतने दीक्षांत समारोहे विद्यावाचस्पति इति मानदोपाधिना विभूषयिष्यमानानां विद्वद्वरेण्यानां डॉक्टर मुनीश्वर झा महोदयानां डॉक्टर कृष्णचंद्र द्विवेदी महाभागानां डॉक्टर हरिहर झा महाशयानां डॉक्टर विंदेश्वर पाठक महोदयानां अस्य विश्वविद्यालयस्य माननीयानां अधिषत्सदस्यानां विद्वत्परिषत्सदस्यानां विदुषां पत्रकार मित्राणां अधिकारिणां कर्मचारिणां आशीर्वाद भाजां स्नातकानां अत्र उपस्थितानां समेषां सज्जनानां च सादरं स्वागतं व्याहरन् हार्दिकं अभिनन्दनं करोमि। अस्माकं समक्षं विराजमानं दानवीरं महाराजाधिराजं डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह महाभागं सश्रद्धं स्मरामि। तस्मैव भावपुष्पान्वितं श्रद्धांजलिं च समर्पयामि। यस्य अभूतपूर्व दानशीलतया भारतीय संस्कृतेः सनातन धर्मस्य विश्वव्यापी ज्ञान विज्ञान मूल वेद वेदांग निष्ठ शास्त्र परंपरायाश्च उन्नायकानां परम पूज्यानां महर्षीणां राजर्षीणां च जनक याज्ञवल्क्य कपिल गौतम कणादि कुमारिल गंगेशोदयन मंडन वाचस्पति विद्यापति प्रभृतीनां सुदुश्चर तपोभिः पवित्रतमायां जगज्जनन्याः श्री जानक्या जन्मना तीर्थीभूतायां भगवतो जानकी जाने हि कृपया भारतीय संस्कृतेः संस्कृतस्य च संरक्षणे तत्परायां च अस्यां मिथिलायां दरभंगा नगरी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अभूत्। प्रायः अत्र भवन्तः सर्वे जानन्त्येव यदस्य कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य स्थापनार्थं तदानीन्तनस्य महामहिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागस्य माननीय मुख्यमंत्रिणः श्रीकृष्ण सिंहस्य च सत्प्रयासेन षष्ट्यधिक एकोनविंशति ख्रीष्टवर्षस्य मार्च मासस्य त्रिंशे दिनांके महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह महाभागः बहुमूल्य पाण्डुलिपि परिपूरित स्वकीय पुस्तकालय सहितेन लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस नामक राजभवनेन सह विशाल भूखंडं प्रादात्। फलस्वरूपम् अस्य विश्वविद्यालयस्य एकषष्ट्यधिकोनविंशति वर्ष जनवरी मासस्य षड्विंश दिनांके स्थापना अभूत्। ततो बिहार राज्य प्रशासनस्य कृपया विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य साहाय्येन संस्कृतानुरागिणां जनानां मनोयोगेन च विश्वविद्यालयोऽयं निरन्तरम् अन्तरायसमूहं परमेश्वर कृपया दूरीकुर्वन् संस्कृतस्य गूढज्ञान विज्ञानयोः प्रचारे प्रसारे च विकासपथे अग्रसरे दृश्यते। न केवलं संस्कृतभाषायां निबद्धशास्त्राणां संवर्धनं प्रचारश्च अनेन विधीयते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इति संस्थया निबंधितः सन् अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघस्य अन्यतमः सदस्योऽस्ति। अनेन विश्वविद्यालयेन स्वकीय शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधये नैक इति संस्थया द्वितीय चक्रस्य मूल्यांकने 2016 तमे ख्रीष्टाब्दे 2.7 अंकेन सह बी इति श्रेणी प्राप्ता। इतः पूर्वं प्रथम चक्रस्य मूल्यांकने षडुत्तर द्विसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे च अयं विश्वविद्यालयः B++ इति श्रेणीं प्राप्तवान् आसीत्। अधिनियम परिनियमेषु प्रदत्तशक्त्यनुसारेण अयं विश्वविद्यालयः यद् अस्य विश्वविद्यालयस्य उपाधिप्राप्ताः स्नातकाः राज्ये राज्यात् बहिर्भूतेष्वपि विश्वविद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विद्यालयेषु च संस्कृतशिक्षायाः प्रतिष्ठितपदेषु नियुक्ताः भूत्वा महाविद्यालयेषु च प्राचार्यपदं विभागाध्यक्षपदं कुलपतिपदं च विश्वविद्यालयस्य स्नातकाः सुशोभितं कुर्वन्ति। भारतवर्षस्य प्रमुखभागेषु किञ्च विदेशेष्वपि सम्पाद्यमानेषु विभिन्नेषु सामाजिकेषु सांस्कृतिकेषु धार्मिकेषु च कृत्येषु अस्माकं स्नातकानां सहभागिता निरन्तरं प्रशंसनीया वर्तते। अस्माकं कतिपयैश्छात्रैः भारतीय प्राशासनिकसेवायाः भारतीय आरक्षिसेवायाः सेनायाश्च विभिन्नेषु पदेषु नियुक्ताः भूत्वा राष्ट्रस्य सेवां कुर्वाणाः अस्य विश्वविद्यालयस्य गौरवं सततं संवर्धयन् संस्कारनाम्ना प्रख्यात आसीत्। प्राचीनकाले अध्ययनाध्यापनयोः गुरुकुलपरम्परा प्रवर्तमाना आसीत्। अध्ययनानन्तरं गुरुकुलात् गृहस्थाश्रमे प्रभिक्षुभ्यः स्नातकेभ्यः एभिः जीवनकलासूत्रैः प्रबोधयति स्म।
वेदम अनुच्याचार्यो अन्तेवासिनम् अनुशास्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियं धनम् आहित्य प्रजातन्तुं मा विवक्षेत्सीः सत्यान् न प्रमदितव्यं धर्मान् न प्रमदितव्यं कुशलान् न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्यायान् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकर्माभ्यां न प्रवर्तितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि अनवद्यानि कार्याणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपस्यानि नो इतराणि ये के चास्म अस्मात् क्षेयां सुब्रह्मणाः तेषां त्वया आलसेन प्रश्वसित विधिः अस्माकं बिहार राज्यस्य महामहिम्नः भारत भवितव्यस्य च विधात्री एतस्याः संस्कृतशास्त्रदेवनद्याः अविच्छिन्नां परम्परां प्रवाहधारां धरतीयं मैथिलधरित्री अतः मिथिलेयं निरन्तरं प्रशस्या उपास्या च ग्रन्थजातं सम्पादिताः छात्रसम्पदः आधुनिकेन विधिना विहिताः शास्त्ररूपेण संस्कृतं रक्षणीयं चतुर्थं लोकहिताय संस्कृतं चर्वितचर्वणं शोधकार्यं परिहाय लोकप्रयोजनपराणि शोधकार्याणि सम्पादनीयानि आधुनिकयुगे चतुर्दश विद्यास्थानानां शास्त्रसंप्रदायस्य सांप्रतिकत्वप्रकटनाय प्रयोगानाश्रित्य समसामयिकेषु विषयेषु शास्त्रार्थसमन्वयः नितराम् आवश्यकः पञ्चमं संस्कृतं विश्वबन्धुत्वाय भाषाबन्धुत्वाय संस्कृतविश्वविद्यालयाः लोकसंस्कृतेः प्रान्तीयभारतीयभाषाणां परिपोषकरूपेण धुरं वहेयुः एतदर्थं प्रान्तभाषासु दृढतमं सम्बन्धं संस्थापयितुं योजनाः आयोजनीयाः अथेदानीं सद्यस्नातकान् आचार्योपाधिधारणश्च उद्दिश्य किञ्चित् उपनिदक्ष्योऽस्मि अद्यत्वे भारतदेशः योमयः देशः तरुणो देशः तरुणप्रजाभिः निरन्तरम् एधते देशोऽधुना अर्थेनापि श्रीमान् भ्राजते प्रभुत्वं जगन्मान्यं सिद्धं तेन च यौवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वम् अव्येकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम् इत्युक्त दिशा प्रथमगुणत्रयं यद्यपि सर्वापेक्षितं साधनम् अन्तिमेन दोषेण युक्तम् अनर्थकारि संभवति सुप्रसिद्ध मिथिला की पवित्र भूमि में स्थापित बिहार राज्य के एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपस्थित आप सभी विद्वानजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मैं आभारी हूँ बिहार प्रांत के महामहिम राज्यपाल सह इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम सम्मानीय श्री लालजी टंडन महोदय एवं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर नारायण झा जी का जिन्होंने मुझे भी दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया है और फलस्वरूप मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ मित्रों शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अत्यंत ही व्यापक रहा है भारतीय चिंतकों दार्शनिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा को समग्र जीवन एवं चरित्र निर्माण का साधन माना है फलतः भारतीय विचारानुसार शिक्षा एक ऐसा पवित्र कदम पवित्रतम साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने सांसारिक एवं परलौकिक हित के संपादन करता है आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्रियों ने भी शिक्षा के आध्यात्मिक पक्ष पर विशेष बल दिया है स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य में निहित क्षमताओं के विकास को शिक्षा मानते हुए मानव की अंतर्निहित क्षमताओं के व्यक्ति को शिक्षा माना है अरविंद ने शिशु किशोर एवं प्रौढ़ मानव के मस्तिष्क के अध्ययन को शिक्षा का वास्तविक आधार माना है महात्मा गांधी ने मानव के मानसिक शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा ज्योतिष संकाय तथा शोधकार्यम संपाद्य शोध प्रबंधन उपस्थाप्य परीक्षा द्वारा विद्यावाचस्पति Thank you.
आचार्य इत्युपाधये भवतः अनुमन्ये अहम् अनिरुद्धः आचार्यस्नातकान् उपस्थापयामि एते हि षोडशाधिकद्विसहस्रतम ख्रीष्टाब्दे सप्तदश मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यानि अस्माकं स्नातकाः उपविशन्तु अष्टादशाधिकद्विसहस्रतमख्रीष्टाब्दे च जागृति झा रतन कुमार मिश्र आशुतोष कुमार झा दीपक कुमार पांडे अष्टादशाधिक द्विसहस्रतम ख्रीष्टाब्दे आचार्य परीक्षायां जितेंद्र पांडेय अमित कुमार पांडेय रजनी कुमारी चंदन कुमार महामहिम ने इस मौके पर कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है और संस्कृत भाषा से नए क्षेत्र में भी कैरियर बन सकते हैं। उन्होंने सबों को संस्कृत भाषा अपनाते हुए संस्कृत के क्षेत्र में बेहतर शोध करने पर भी विशेष बल डाला। करीब एक घंटे तक अपने कार्यक्रम के संबोधन में उन्होंने सभी को संस्कृत भाषा के कई बारीकियों का भी अध्ययन कराया। की विश्व प्रसिद्ध सभ्यता संस्कृति आदर्श जीवन मूल्य मूलता संस्कृत भाषा साहित्य में समाहित है। अनेक भाषाओं की
जन्मी संस्कृत भाषा पर्याप्त शब्द भंडार से युक्त प्राचीनतम भाषा है। ज्ञान विज्ञान के अपरिमित विषय संस्कृत साहित्य में विद्यमान है। विशेषकर दो अनुपम महाकाव्य रामायण और महाभारत संस्कृत के साहित्य ही नहीं विश्व साहित्य में अद्वितीय है। रामायण की रामकथा विश्व की दर्जनों भाषाओं में अनुवाद हुआ है एवं उसके आधार पर अनेक रामायणों का प्रणयन भी हुआ। भारतीय वाङ्मय के सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के बारे में तो उतनी ही प्रतीत है कि यज्ञ वर्ते तन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। ये उक्ति महाभारत जन की व्यापकता और विशेषता को प्रतिपादित करते हैं। संस्कृत भाषा एवं साहित्य सभी प्राणियों के सुख आयोग एवं कल्याण की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आदिकाल से हमारा संस्कृत आग्नेय चारित्रिक शिक्षा शांति सद्भाव और विश्व बंधुत्व के बाद समस्त विश्व को पढ़ाता रहा है। दर्शनों पुराणों एवं धर्मशास्त्रों ने जीवन यापन का एक ऐसा आदर्श मार्ग स्थापित किया जो दूसरों के जीवन यापन में सहभागी होकर स्वयं एवं समाज की प्रगति में पूरी सहायता करने में सक्षम है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव तथा आचारा आचार परमो धर्म एवं आत्मवत् सर्वभूतेश या पश्चत सा पंडिता जैसे वाक्यों ने जहाँ मानव के अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा के सहायक हैं वहीं मानव मात्र की चारित्रिक विकास में भी इनका महत्व है। आवश्यक है हम संस्कृत साहित्य के इन आदर्शों वाक्यों का समावेश प्रारंभिक कक्षा और पाठ्यग्रंथों में करते हुए बालकों को नैतिक शिक्षा दें। संस्कृत भाषा एवं साहित्य ज्ञान के बिना भारतीय संस्कृति और ज्ञान संपदा से परिचित नहीं हुआ जा सकता। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विषय में जो अध्ययन हुए हैं उनमें जो साहित्य रचा गया है उसकी भाषा संस्कृत है। संस्कृत के ज्ञान के अभाव में हम न तो भारतीय सांस्कृतिक समृद्ध और विपुल ज्ञान संपदा से आत्मा को सुरक्षित रख पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, श्रुति और स्मृति ही सदैव शिक्षा ग्रहण की मूल विधियाँ रही हैं। वेद भी शताब्दियों तक अलिखित ही थे पर एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को उसे कंठस्थ करा इतिहास के लंबे काल खंड तक उन्हें जीवित रखा। गुरु शिष्य परंपरा भी इससे समृद्ध होती है तथा भारतीय शिक्षा का ज्ञान संपदा भी निरंतर विकसित होती गई। बाद में भाषा का पूरी तरह विकास हुआ और फिर पाणिनि जैसे महामनीषी ने अष्टाध्यायी नामक अपनी कृति में संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार कर इसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। संस्कृत भाषा विश्व की एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। बट अंग्रेजी का शब्द है और पुट ऐसे उच्चारण की असमानता संस्कृत में कहीं नहीं है। भारतीय संस्कृति में विकास के युग से पूरे विश्व में कंप्यूटर के दृष्टिकोण से भी सर्वाधिक उपभाषा मानी गई है। आज जबकि भारतवर्ष में थोड़े थोड़े अंतराल पर भाषावाद प्रांतवाद क्षेत्रवाद नक्सलवाद आतंकवाद जातिवाद तथा अन्य नकारात्मक विचारों के कारण राष्ट्रवादी ताकतों को चुनौती मिलने लगी। भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए ये आवश्यक है कि पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करने वाली संस्कृत भाषा की समग्र उन्नति हेतु सार्थक प्रयास किए जाए। आज संस्कृत की बहुमूल्य पांडुलिपियों के संरक्षण तथा उनके
डिजिटलाइजेशन की नितांत आवश्यकता है। तकनीकी विकास का लाभ उठाकर हमें संस्कृत की प्राचीन गौरवशाली और दुर्लभ प्रतियों को सुरक्षित कर देना चाहिए। आज विश्व में जैसा वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण आदि की चर्चा करते हुए विश्वग्राम की परिकल्पना की गई है, दरअसल इस अवधारणा के मूल में भी भारतीय चिंतन और दर्शन की महान परंपरा है। भारतीय संस्कृति में पूरी दुनिया के लोगों को अपने परिवार के सदस्य की भांति समझने की मान्यता है। वसुधैव कुटुंबक ये अवधारणा इस बात पर आधारित है कि हम परोपकार को सबसे बड़ा पुण्य और परपीड़न को सबसे बड़ा पाप या एक गौरवशाली सार्थक अभियान। मुझे बताया गया है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम 1960 के द्वारा स्थापित ये विश्वविद्यालय महाराजा ग्राज कामेश्वर सिंह जी की अपूर्व दानशीलता एवं उनके संचित शिक्षा प्रेम का जीता जाता उदाहरण है। महाराजा की भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा के फलस्वरूप बिहार के तत्कालीन महामहिम राज्यपाल सैयद कुलाधिपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी तथा शिक्षा मंत्री कुमार गंगानंद सिंह जी के सद प्रयासों से प्राचीन विद्या के संरक्षण एवं संवर्धन के हेतु ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। संप्रति ये विश्वविद्यालय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अधीन ही है, अन्य विश्वविद्यालय के साथ संचालित हो रहा है। तथापि अधिनियम में यथास्थान इसके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, हमारी भारतीय संस्कृति के संपूर्ण जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्कृत भाषा तथा इसके विशाल एवं प्राचीनतम साहित्य आज के युग में भी पूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि विश्व के ज्ञान एवं विज्ञान के संपूर्ण विषय संस्कृत बांग्ले में सुरक्षित हैं। संस्कृत के वैदिक साहित्य, पुराण साहित्य, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ एक और जहाँ वैज्ञानिकों को नई खोज में सहायता करने में सक्षम है, वहीं परवर्ती साहित्य सर्जना में भी इनका अमूल्य योगदान है। भारत की एकता एवं अखंडता को कायम रखने के वाले सद्विचार इस भाषा की एवं साहित्य में सर्वत्र विद्यमान है, जिनका स्मरण एवं मनन कर हम पूरे विश्व शांति दूत के रूप में पुनः अपनी कामेश्वर सिंह जी ने इस विश्वविद्यालय को संस्कृत शिक्षा के एक मुख्य केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का सपना देखा था। मुझे विश्वास है कि ये विश्वविद्यालय भारत की एकता, अखंडता, सामाजिक संस्कृति और सामाजिक समरसता को विकसित करता हुआ संस्कृत वाङ्मय के समृद्धि और सारस्वत महाअभियान में एक अपूर्व भूमिका निभाए। आज के दीक्षांत समारोह के दौरान जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन सबके उज्ज्वल भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। आइए उपनिषद की शांति प्रार्थना के स्वर में हम अपने स्वर मिलाकर ये कहें, ओम सहना भवतु सहनौ भवतु सहवीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीमस्तु मा विद्विषाय, ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे भगवान, हम दोनों गुरु और शिष्य को आप रक्षा करें और हमारा परिपोषण करें, हम पूर्ण शक्ति के साथ कार्यरत रहें, हम तेजस्वी विद्या को प्राप्त करें, हम कभी आपस में द्वेष नहीं करें, सर्वत्र शांति हो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किसी विश्वविद्यालय के छात्र नहीं, बल्कि आप सब एक मिशनरी बनकर जा रहे हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसका कितनी वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन जो भी अभी बची है वो संस्कृत में ही है। तो आप अपने पूर्वजों के उस तपस्या का
सुरक्षित रखे। रामटेक स्थित कविकुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति परम यशस्विना प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी महाभागान प्रति प्रशासन कुशलान प्रधान सचिवान विवेक कुमार सिंह महोदयान प्रति शिक्षा विभाग से यशस्विन विशेष सचिवान श्रीमता सतीश चंद्र झा महाशयान प्रति अद्यतने दीक्षांत समारोह विद्यावाचस्पति इति मानदोपाधिना विभूषितान डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक महोदयान प्रति अस्य विश्वविद्यालय से माननीयान कुलपति महोदयान प्रतिकुलपति महोदय महाभागान अधिसदस्यान अभिसदस्यान विद्वत परिषदस्यान शिक्षकान अधिकारिण कर्मचारिण प्रति पत्रकार बंधुन प्रति आशीर्वाद भाग स्नातकान प्रति अत्रोपस्थान सर्वान सज्जनांश प्रति विश्वविद्यालय पक्षतः धन्यवादान ज्ञापयामि। जेखां सहयोगेन अयं दीक्षांत समारोह सुसंपन्नो। अथ वयं सर्वे राष्ट्र पढ़ते-पढ़ते जब हमारी ट्रांसफर नौगुछिया हुई तो यहाँ एक सिपाही मिल गया नसीब नारायण झा, कहे कि बाबा आपको इतनी जानकारी है, सर्टिफिकेट है ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्हीं के साथ जाकर के हमने उपशास्त्री का फॉर्म भरे, मैट्रिक पास तो पहले से, उसके बाद उपशास्त्री किए, शास्त्री किए, आचार्य किए। बहुत खुशी है हमें, और मैं भी कहूँगा कि जो मुस्लिम लोग लड़के हैं अगर वो चाहे इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं, ये भी तो कला है, विद्या है। किस विषय में उपाधि मिली? आचार्य। मतलब कहा जाता है कि मतलब ज्ञान जो है आप लोग। मम नाम जागृति झा, मम विषयः अस्ति व्याकरणम्। अन्यच्च यद् मया परिश्रमं कृतं तत् यत् सफलीसञ्जातम् इति मया अनुभूयते, अतः इति एव प्रार्थयामि केवलं यत् गुरूणाम् आशीर्वादः भवेत्, अन्यच्च गुरवः आशिषा अभिषिञ्चन्तु अहम् एवमेव अग्रे सर्वं संस्कृतस्य कार्यं करिष्यामि। अन्यच्च जो गोल्ड मेडल मिला है तो मैं फलित ज्योतिष शास्त्र से गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ हूँ 2017 ईस्वी के अंतर्गत, और इसमें जो है इस गोल्ड मेडल का नाम है पंडित गया दत्त झा स्वर्ण पदक, और मैं अपने यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र हैं उन सबों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त करने के बाद यह उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे अनुज मेरे पीछे हैं, सब यदि मन के साथ लगन लगा के परिश्रम करें तो यह मुकाम उनके लिए भी दूर नहीं होगी, जो उन्हें भी स्वर्ण पदक नहीं मिलेगा, उन्हें भी स्वर्ण पदक प्राप्त होगी। और इसके लिए मेरे गुरुजन मेरे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, ये सब मेरे गुरु जी की कृपा से हुआ है। आज यहाँ पर हैं। क्या नाम है? रजनी कुमारी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर, पर मेरा गोल्ड मेडल। बहुत खुशी हो रही है, और हमको दर्शन विषय में गोल्ड मेडलिस्ट मिला है। क्या कहेंगे, कितने किस सत्र के छात्र हैं? और 2015-17 के छात्र हैं, और आगे भी हम बहुत उत्साह से पढ़ रहे हैं। अब आगे PhD और वही करेंगे, प्रोफेसर बनने का मेरा लक्ष्य है। क्या नाम हुआ? अमर कुमार झा। बुलवा लीजिए इनसे। लालजी टंडन राज्यपाल के महोदय के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, और मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ खास चीज़ मिला है। क्या चीज़ की उपाधि मिली? विद्या बारे में PhD की उपाधि मिली है।
क्या नाम हुआ? रानी कुमारी, पिता का नाम श्री गोपीकांत पाठक। कार्यक्रम का समापन संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा किया गया। करीब एक घंटे तक रुकने के बाद कुलाधिपति यहाँ से वापस पटना के लिए रवाना हो गए।